हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए हम लोग एनसीईआरटी क्लास 12 मैथ को आगे कंटिन्यू करते हैं और आज हम लोग देखेंगे मैट्राइसिस में इसका लास्ट चैप्टर एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.4। तो क्या एक्चुअली जो मैट्रिक्स का चैप्टर है वो डिटरमिनेंट के बाद भी आएगा और जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बट ये मैट्रिक्स के जो है सीक्वेंस में ये आपका लास्ट चैप्टर है, इसके बाद डिटरमिनेंट है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिर्फ आपको एक ही क्वेश्चन दिया गया है और वो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। इसके पहले वाले सिलेबस में बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे हुआ करते थे, बट अब जो है ये नए वाले सिलेबस में आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन दिया है और काफ़ी सिंपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आप देखिएगा तो क्या बोलता है, आपको बोलता है कि मैट्राइसिस ए एंड बी विल बी इन्वर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है। दो मैट्रिक्स ए और बी एक दूसरे का इन्वर्स कहलाएगा, कब कहलाएगा, आपको यहाँ पे एक करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो ये तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है और दो मैट्रिक्स ए और बी अगर एक दूसरे का इन्वर्स है तो ये सिंपली तब होता है जब ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। तो हम लोग सब पे डिटेल में बात करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे बात आया है इन्वर्स मैट्रिक्स का, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स मतलब कोई भी मैट्रिक्स है ना, मान लो ए आपके पास में कोई मैट्रिक्स है तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। ए इन्वर्स मे एग्जिस्ट, ओके। कब करेगा, क्या कंडीशन होगा, ये सब हम लोग आगे बात करेंगे। तो किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। और नो डाउट अगर वो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो आप देखोगे कि ए इंटू ए इन्वर्स, या आप निकालिए ए इन्वर्स इंटू ए, या सिंपली आपको क्या आएगा, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, ठीक है। तो अगर मान लो कि बी जो है वो ए का इन्वर्स है, ठीक है, अगर बी ए का इन्वर्स है तो हम लोग यहाँ पे भी वही बात देखेंगे। अगर मैं बी इन्वर्स बी के प्लेस पे, ए इन्वर्स के प्लेस पे अगर मैं बी रख दूँ तो क्या आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ठीक है। तो बहुत जो है एक कह लो कि सिंपल सा ये रिजल्ट है जो आप काफ़ी आसानी से प्रूव भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये हमको पढ़ना है इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा और हम लोग कई तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये मैं आपको दिखाऊंगा आगे चल करके, ये आप अपने इंटरेस्ट में रखिए कि आप ए इन्वर्स को कई तरीक़ों से निकाल सकते हैं, ठीक है। और ये सारा तरीका काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। जैसे एक आपका होगा जिसको हम लोग बोलेंगे रो या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट इसको सीखना आगे अगर आप मैथ में कुछ करना चाहते हो तो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। दूसरा जो तरीका होता है वो होता है यूजिंग डिटरमिनेंट, आप जो है क्या एडजॉइंट मैट्रिक्स निकाल करके काम करते हैं, ठीक है, तो ये एडजॉइंट मेथड कहलाता है। तीसरा होता है कि हम लोग कैले हैमिल्टन थ्योरम पढ़ेंगे, ठीक है। कैले हैमिल्टन थ्योरम क्या कहता है कि अगर आपको कोई कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन गिवेन है तो आप वहाँ से जो है बहुत ही इजीली उसका इन्वर्स निकाल सकते हो, ठीक है। इनफैक्ट एवरी मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक रूट क्या होता है, तो बहुत तरह की इंपॉर्टेंट बातें जुड़ी हैं इस ए इन्वर्स से जो हम लोग आगे देखने वाले हैं। और मैं चूंकि नीचे से लेके टॉप तक जाता हूँ, जीरो से हीरो मॉडल पे जाता हूँ, तो ये जो एनसीईआरटी 12 है ना, इसके बाद सीक्वेंस बाय सीक्वेंस मैं आपको बीएससी, ठीक है, और उसके बाद हायर अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा में मैं बहुत तरह के कॉन्सेप्ट पे बात करता हूँ, तो ये सारा कुछ आपके लिए वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो बट अभी 12 लेवल पे बस यही इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। तो इस चैप्टर में तो कुछ नहीं था, बट इसके बाद जस्ट जो है मिसेलनियस है जिसमें बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि उस मिसेलनियस को भी आप जरूर कवर करो। तो मैं यहीं पे चाहता हूँ कि मिसेलनियस पे कुछ बात कर लूँ, ठीक है, ताकि देखो मैट्राइसिस ऐसा चैप्टर है ना कि जो कि बहुत दिन तक काम आता है, तो अगर हम यहाँ पे मैट्राइसिस का मिसेलनियस भी कवर करते जाएंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस क्या है और तगड़ा होते जाएगा। तो चलिए ये पूरा जो चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा है, कॉन्सेप्ट आपने पढ़ लिया है, तो अब उसका मिसेलनियस मतलब सबका मिक्स क्वेश्चन देखते हैं। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पहले खुद से ट्राई करो, बिल्कुल देखो लॉलीपॉप क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है, इस तरह क्वेश्चन आप कर चुके हो, ट्राई करो, कॉन्सेप्ट लगाओ, डेफिनेटली आपसे बनेगा, नहीं बनता फिर आप देखना, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा, देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों ने कैसे बनाया। फर्स्ट क्वेश्चन कहता क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इफ ए एंड बी आर साइमेट्रिक मैट्राइसिस, ठीक है, मान लो ए और बी क्या है, दो आपके पास में साइमेट्रिक मैट्रिक्स है, और साइमेट्रिक क्या होता है मैंने आपको बता दिया। तो बोलता है प्रूफ कीजिए कि जो ए बी माइनस बी ए है ये भी क्या, ये क्या होगा, ये एस क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स होगा,
ठीक है। अच्छा, इस तरह का क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं, ओके। तो उसी तरह का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, कैसे बनाएंगे। गिवेन है, गिवेन क्या गिवेन है जी, कि ए एंड बी आर साइमेट्रिक मैट्राइसेस, ठीक है। इसको एकदम प्यार से लिख लीजिए कि आपको गिवेन है, ठीक है। साइमेट्रिक मैट्राइसेस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं ए का ट्रांसपोज निकालूं तो मेरे को ए मिलेगा, ठीक है, और मैं अगर बी का ट्रांसपोज निकालूं तो मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को बी मिलेगा। तो ये आपको गिवेन हो गया, ठीक है, कि ए डैस ए है, बी डैस बी है, चूंकि दोनों साइमेट्रिक गिवेन है। अब आपको काम करना है ए बी माइनस बी ए पे, तो आप लेकर के चलिए इसका ट्रांसपोज, ठीक है। चूंकि हम लोग जानते हैं कि अगर किसी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज निकालते हैं और वो ए आ जाता है तो वो क्या होता है, तो वहां से वो मैट्रिक्स कहलाता है साइमेट्रिक, ठीक है। और अगर हम लोग ए डैस निकाले और माइनस ए आ गया तो वो क्या कहलाएगा, तो वो कहलाएगा एसक्यू साइमेट्रिक, ठीक है। तो ये साइमेट्रिक है या एसक्यू साइमेट्रिक है वो इस रिलेशन पे डिपेंड करता है। तो किसी भी मैट्रिक्स को चेक करने के लिए आपको उसका ट्रांसपोज निकालना जरूरी है, ठीक है। तो मैं ये जो मैट्रिक्स को हमको चेक करना है इसका मैं ट्रांसपोज निकालता हूं, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज, ठीक है। इसका ट्रांसपोज देख लेते हैं क्या आएगा। तो ट्रांसपोज का हम लोग प्रॉपर्टी पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, कि अगर प्लस या माइनस होगा, ठीक है, और ट्रांसपोज लगा होगा तो वो दोनों अलग अलग हो सकता है, ठीक है। मतलब जो ट्रांसपोज है वो एडिटिव होता है, इतिहास हम इसको अलग अलग कर देंगे, यानी ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी का ट्रांसपोज माइनस क्या हो जाएगा, माइनस आपका बी ए का ट्रांसपोज, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग सेकेंड ये पढ़ चुके हैं कि अगर मैं ए बी ए इंटू बी का ट्रांसपोज लेता हूँ तो ये इक्वल टू होता है बी डैस इंटू ए डैस, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज माइनस यहाँ पे हो जाएगा आपका पहले ए का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज, ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब मैं अगर इक्वेशन वन का यूज करूँ, यानी जो गिवेन है कि ए डैस आपका ए है और बी डैस आपका बी है, तो सिंपली ये क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा बी इंटू ए, बी डैस को बी लिखा, ए डैस को ए लिखा, और ये आपका हो जाएगा ए इंटू बी, ठीक है जी। तो अब देखो, अब ये आ गया आपका बी ए माइनस ए बी, अगर आप यहां से माइनस को कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा ए बी माइनस बी ए, ठीक है। अब आप देखिए एग्जैक्टली जो आपने मैट्रिक्स लिया था ना, जो मैट्रिक्स लिया था वही मैट्रिक्स आपको मिल गया है, ए बी माइनस बी ए आपने लिया था और ए बी माइनस बी ए मिला, बट क्या मिला, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ऑफ ए बी माइनस बी ए, यानी इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या है, उसके माइनस के इक्वल है। इसका मतलब क्या है कि ये जो गिवन मैट्रिक्स है, ये जो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स है वो क्या है, वो आपका एसक्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर क्या लिखेंगे, देयरफॉर द रिक्वायर्ड ए बी माइनस बी ए इज ए एसक्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स, एसक्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। इस तरीके से ये काफी इजिली आपका प्रूफ हो जाएगा, क्लियर है। अच्छा, इसी तरह से देखो, आपको सेकंड क्वेश्चन यहां पे दे रखा है, क्या बोलता है, शो दैट बी डैश ए बी इज साइमेट्रिक और एसक्यू साइमेट्रिक अकॉर्डिंग एज ए इज साइमेट्रिक और एसक्यू साइमेट्रिक। मतलब ये जो आपका बी डैश ए बी है ना, ये डिपेंड करता है किसके, किस पे, बीच वाले ए पे। अगर ये बीच वाला ए आपका क्या होगा, साइमेट्रिक होगा, तो ये पूरा साइमेट्रिक होगा। अगर बीच वाला ए आपका एसक्यू साइमेट्रिक होगा तो ये पूरा एसक्यू साइमेट्रिक होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, ठीक है। हम लोग इसको आगे कॉम्पिटिशन वगैरह में यूज करेंगे तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि इसको आपको याद रखना है, ठीक है। देखो, ये सब जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, वन नंबर टू नंबर, तो ये सब एक्चुअली रिजल्ट है जो आप आगे चल के कॉम्पिटिशन वगैरह में डायरेक्टली यूज करते हो, या आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डायरेक्टली इस तरह का आपसे रिजल्ट पूछ देता है, ठीक है। तो बिल्कुल टू नंबर को भी आप बना सकते हैं, चूंकि आप लोग सारा बेसिक रिजल्ट पढ़े हुए हैं, तो डेफिनेटली अब इस तरह का कोई भी रिजल्ट आप एग्जाम में आसानी के साथ वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। तो चलो, इसको आपने आई होप उतार लिया होगा, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखो, क्वेश्चन नंबर टू को कैसे करेंगे, तो टू में, ठीक है, चूंकि एक ए पे बात किया है तो हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, कि ए मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स है मान लो मेरे पास में, ऐसे लिखिए, ठीक है, ए मैट्रिक्स कैपिटल ए इज साइमेट्रिक और एसक्यू साइमेट्रिक और एसक्यू साइमेट्रिक
साइमेट्रिक अकॉर्डिंग एज, अकॉर्डिंग एज ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए एंड ए का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए। ठीक है, तो अगर ए का ट्रांसपोज आपका इक्वल टू ए होगा तो ये साइमेट्रिक होगा। ठीक है, और अगर ए का ट्रांसपोज आपका माइनस ए होगा तो ये क्या होगा, ये आपका स्क्यू साइमेट्रिक होगा, ये हम लोग पहले जानते हैं। ठीक है, नाउ अब हम चेक करते हैं जो मेरा रिक्वायर्ड मैट्रिक्स है क्या बी डैश ए बी। तो चूंकि इसका साइमेट्रिक है, स्क्यू साइमेट्रिक प्रॉपर्टी चेक करना है, तो फिर से वही तरीका लगाएंगे हम लोग, क्या करेंगे हम लोग बी डैश ए बी का ट्रांसपोज निकालेंगे। ठीक है, इसका क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। अब मैंने आपको तरीका बताया था कि क्या होता है कि जब भी आप a इंटू बी का इंटू में आप कीजिएगा ना ट्रांसपोज, तो ये क्या होगा, ये आपका होता है बी डैश इंटू ए डैश, यानी उल्टा चलता है। तो मान लो कहीं पे अगर ए बी सी ऐसा है तो ये कैसे चलेगा, ये चलेगा आपका c डैश इंटू बी डैश इंटू ए डैश, ऐसा चलेगा। ठीक है, तो इसको अप्लाई करेंगे तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे क्या, सबसे पहले आपका आएगा एकदम लास्ट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मतलब हम लोग लास्ट से स्टार्ट करके आगे की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले देखो आएगा आपका b का डैश इंटू, फिर आपका आएगा a का डैश इंटू, और फिर b डैश का डैश हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो अब देखो हम लोग यहाँ पे क्या आएगा, हमारा आ जाएगा b डैश इंटू a डैश इंटू b, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं और प्रॉपर्टी कि अगर मैं ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करता हूँ तो उसमें क्या बचता है, आपका मैट्रिक्स बचता है। ठीक है, तो डबल ट्रांसपोज होगा तो मैट्रिक्स बचेगा। तो अब यहाँ पे देखो सिंपली ये वैल्यू आ गया। अब इस वैल्यू को हम लोग दो तरीके से लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ क्या बी डैश ए बी, ठीक है, और बी डैश माइनस ए बी, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कब लिखेंगे, तो मैं लिख रहा हूँ वेन ए इज साइमेट्रिक, जब ए मेरा क्या होगा, ए मेरा साइमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है, और नीचे वेन ए इज एस्क्यू साइमेट्रिक, ए इज एस्क्यू साइमेट्रिक। ठीक है, क्योंकि हम लोग अभी देखें कि हमारा अगर ए साइमेट्रिक होगा तो ए डैश को हम ए लिखेंगे, और एस्क्यू साइमेट्रिक होगा तो ए डैश को हम माइनस ए लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं ए डैश को हटा करके यहाँ पे ए लिख रहा हूँ अगर ये साइमेट्रिक है, और इसको हटा करके माइनस ए लिख रहा हूँ अगर ये एस्क्यू साइमेट्रिक है। ठीक है, तो डेफिनेटली इस तरीके से लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखिएगा कि क्या आ जाएगा, देयरफॉर ये जो पूरा मेरा वैल्यू है बी डैश ए बी का होल डैश, ठीक है, ये क्या आ जा रहा है, ये इक्वल टू आ रहा है सिंपली बी डैश ए बी। ठीक है, वेन वेन ए इज साइमेट्रिक, वेन ए इज साइमेट्रिक, और क्या आ रहा है, और यहाँ पे माइनस को बाहर निकाल दीजिए तो माइनस बी डैश ए बी आ रहा है वेन ए इज एस्क्यू साइमेट्रिक। ठीक है, तो अब यहां से देखो, यहां से पूरी बात क्लियर हो गई कि एकदम मोहब्बत से आप देखिएगा कि अगर ये इसके इक्वल है, अगर ये जो मेरा पूरा मैट्रिक्स है अगर ये सिंपली इसके इक्वल है तो ये क्या है, तो ये आपस में यानी साइमेट्रिक है, क्योंकि हम इसका पूरा डैश निकाल रहे हैं तो वो सिंपली मैट्रिक्स के बराबर आ रहा है, तो यानी पूरा मैट्रिक्स साइमेट्रिक हो गया। ठीक है, और अगर मैं इसके इक्वल लेता हूँ तो इसका मतलब ये है कि जो पूरा मैट्रिक्स है वो डैश लगाने से क्या हो रहा है, माइनस में आ रहा है। ठीक है, तो यानी सिंपली मैं कह सकता हूँ यहाँ से कि ये जो मेरा मैट्रिक्स है कौन बी डैश ए बी डी बी, ये जो पूरा मैट्रिक्स है वो क्या होगा, ये साइमेट्रिक होगा। ठीक है, साइमेट्रिक होगा कब, वेन जब आपका ए साइमेट्रिक होगा, वेन ए इज साइमेट्रिक। ठीक है, इसलिए कि जब हम ए को साइमेट्रिक लेंगे ना तो हम इसको अप्लाई करेंगे, इसको अप्लाई करेंगे तो हमको यहाँ से सिंपली जो मैट्रिक्स है वो अपने इक्वल आ जाएगा, ट्रांसपोज हट जाएगा, तो ट्रांसपोज हटने से वो क्या हो जाएगा, साइमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से हम लिख सकते हैं क्या, एंड एंड बी डैश ए बी इज एस्क्यू साइमेट्रिक, इज एस्क्यू साइमेट्रिक वेन वेन ए इज एस्क्यू साइमेट्रिक। ठीक है, क्योंकि जब आप एस्क्यू साइमेट्रिक लोगे तो डेफिनेटली क्या होगा, ये होगा कि हमारा ये वाला यूज होगा, और जिससे जो पूरा मैट्रिक्स है वो इसके बराबर आ जाएगा। और सिंपली हम लोग जानते हैं कि अगर ए डैश ए के बराबर आया तो साइमेट्रिक, और ए डैश माइनस ए के बराबर आया तो एस्क्यू साइमेट्रिक, तो उसका यूज करते हुए आपका क्या हो जाएगा, प्रूव्ड हो जाएगा। तो बहुत ही ईजी है देखो प्रूफ करना। ठीक है, बस आपको कॉन्फिडेंस रहना है और जो चीज़ें यूज करनी है उसको यूज करना है, और बहुत लंबा बात नहीं है, बहुत जल्दी आप इसको ऐसे प्रूफ कर लोगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने इसको ऐसे ही किया होगा। चलिए अब चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या देखो, यहाँ पे कुछ हमारा थ्री है। थ्री क्या बोलता है, थ्री आपको बोल रहा है ना कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड इफ द मैट्रिक्स, ये आपको मैट्रिक्स दे रखा है,
सेटिस्फाई द इक्वेशन ए डैश ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी, मतलब ए का ट्रांसपोज निकालना है, ए से मल्टीप्लाई करना है और आइडेंटिटी के इक्वल कर देना है, तो उस इक्वालिटी कंडीशन से एक्स वाई जेड का वैल्यू क्या आएगा ये आपको पूछा है। तो काफ़ी सिंपल इस तरह क्वेश्चन आप लोग बहुत सा किए हैं, तो एकदम बिल्कुल बिंदास कीजिए। तो आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ए का ट्रांसपोज निकालिए, ठीक है। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे ऐसे हम लोग, ठीक है। हियर डायरेक्ट लिखेंगे कि ए का ट्रांसपोज क्या होगा, तो ये जो मैट्रिक्स दिया है इसका ट्रांसपोज लिखिए। कैसे लिखते हैं जी, रो को कॉलम में लिखना शुरू कीजिए, 0 2 y z 0 2 y z, दूसरा कॉलम है एक्स वाई माइनस जेड और तीसरा कॉलम है एक्स माइनस वाई जेड, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया तैयार हम लोगों का ट्रांसपोज। हम निकालते हैं ए डैश ए का वैल्यू, ठीक है। देयरफॉर क्या हो जाएगा, ए डैश इंटू ए निकालिए, तो मोहब्बत से दोनों को लिखिए। यहाँ पे पहले लिखते हैं हम लोग ए डैश को, ए डैश क्या है, 0 x x 2 y माइनस y सॉरी प्लस y है प्लस y माइनस y, ठीक है। फिर आपका z माइनस z और z, ये हो गया हमारा ए डैश। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे a को लिखेंगे, तो a क्या है मेरा, a को लिखो, a है 0 2 y z x y माइनस z एंड x माइनस y z, ठीक है, ये हो गया। तो ये दोनों जो है ना, ये क्या है, ये आपका आइडेंटिटी के इक्वल है, ठीक है। तो आइडेंटिटी के इक्वल है, सिंस ए डैश ए इज इक्वल टू क्या, आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, तो ये होता है, चूंकि यहाँ पे देखो दोनों 3x3 का है, तो हम आइडेंटिटी भी 3 ऑर्डर कर लेंगे, तो वो क्या होता है, वो 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 ये लेंगे, ठीक है। अब सिंपली इधर मल्टीप्लाई करना मैंने आपको सिखाया है, प्रैक्टिस कीजिए, मल्टीप्लाई करके देखिए क्या मैट्रिक्स आता है। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, मोहब्बत से आराम से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, तो हम लोग फर्स्ट रो का मल्टीप्लीकेशन करेंगे फर्स्ट कॉलम से, तो ये हो जाएगा 0 x² x² क्या आएगा, 2 x² आएगा, ठीक है। फिर फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम से कीजिए, तो 0 xy और -xy, देखो 0 हो जा रहा है, करके देखो xy और -xy, ठीक है। सेकेंड एलिमेंट xy बनेगा, थर्ड एलिमेंट -xy बनेगा, तो 0 हो जा रहा है, और 2y का 0 से करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। इसी तरीके से फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम में कीजिए, तो यहाँ पे 0, ये -zx और +zx, ये भी आपका 0 हो गया, ठीक है। सेकेंड रो को उठाइए फर्स्ट कॉलम से कीजिए, तो 0 xy 0 -xy 0, ये भी आपका 0 आ रहा है। फिर इसको आप सेकेंड कॉलम में डालिए, तो 2y 2y² y² और आपका यहाँ पे देखो क्या बन रहा है, 4y² + y² और फिर +y², यानी आपका टोटल आ जा रहा है 6y², ठीक है। फिर इसको थर्ड कॉलम में उतारिएगा, तो देखिए 2yz -yz एंड -yz, तो आपका ये फाइनली 0 आ जा रहा है, ठीक है। ये देखो इसको थर्ड रो को उठाओ और फर्स्ट कॉलम में डालो, तो 0 -zx + zx 0। थर्ड रो को सेकेंड कॉलम में कीजिए, 2yz -yz और -yz, तो ये आपका 0 हो जा रहा है। लास्ट कॉलम में कीजिए, तो z² + z² एंड +z², तो आपका आ जा रहा है 3z², ठीक है। तो ये देखो पूरा मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन आया है, मैंने इसको डायरेक्टली किया है, चूँकि अब हम चाहते हैं कि आपका स्पीड बढ़ जाए, और आप अगर मोहब्बत से वैसे ही जोड़ जोड़ के करोगे ना, तो यही आएगा। तो इस तरफ जो है हम लोगों का, इस तरफ क्या है, इस तरफ है हम लोगों का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सिंपली ये आपका 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1, ठीक है। तो फाइनली हम लोग ये देख रहे हैं ना कि ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों इक्वल मैट्रिक्स है, और अगर इक्वल मैट्रिक्स है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होगा। ये 0, ये 0, ये सब आपको ऑलरेडी मैच कर रहा है, ठीक है। जो 0 है ना वो बिल्कुल मैच करना ही चाहिए अपने पोजिशन के हिसाब से, जो 0 इधर है वही 0 इधर भी आपको दिख रहा है, ठीक है। और तो जो वेरिएबल बच गया वो डेफिनेटली क्या होगा, 1 1 1 होगा, जो कि इधर डायगनल एलिमेंट है। तो सिंपली यहाँ से हम लोग इक्वेट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 2x² को लिखेंगे कि ये 1 के बराबर होगा, तो यहाँ से x क्या आ जाएगा आपका, +-1/√2 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से जो 6y² है, ये आपका, ये भी 1 के इक्वल होगा, तो यहाँ से आपको मोहब्बत से y क्या आ जाएगा, ये +-1/√6 आ जाएगा, ठीक है।
और जो 3z² है ये भी मेरा 1 के बराबर आएगा, तो जेड आपका क्या हो जाएगा मोहब्बत से प्लस माइनस 1/√3। देखो बिल्कुल लॉलीपॉप क्वेश्चन है, सिर्फ गुना करना है, इस तरीके से मैट्रिक्स का प्रैक्टिस करना काफ़ी सिंपल रहेगा, ठीक है जी। अब देखो अगेन एक लॉलीपॉप क्वेश्चन आ रहा है, 4 नंबर बोलता है कि एक्स का वैल्यू फाइंड कीजिए अगर ये मल्टीप्लीकेशन 0 मैट्रिक्स के बराबर है तो एक्स क्या होगा। तो देखो 3 मैट्रिक्स है, मोहब्बत से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तो बस सिंपली मल्टीप्लीकेशन करना है। तो एक तरफ से करते हैं, सबसे पहले हम लोग इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, ठीक है, इसका और इसका, तो क्या आएगा, किसी का भी आप कर सकते हो, पहले आप इन दोनों का भी कर सकते हो, मैं पहले इन दोनों का करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका एक ही रो है और 3 कॉलम है, ठीक है, तो अगर देखा जाए तो ये है आपका 1x3 का मैट्रिक्स और ये है मेरा 3x3 का मैट्रिक्स, ठीक है, तो बिल्कुल मल्टीप्लीकेशन हो सकता है। और रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट आपका 1x3 ही आएगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए क्या आएगा, तो देखिए मोहब्बत से कीजिए, ठीक है, 1 2 1 का पहले कॉलम से, तो 1 4 1 1 4 1 क्या हो गया जी, 6 हो गया, ठीक है, फिर फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से तो 2 0 0 2 आएगा, फिर फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम से तो 0 2 और 2, तो आपका क्या आ रहा है, आपका 4 आ रहा है, ठीक है, ये हो गया इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। अच्छा अब हमको इसको करना है फाइनली किससे, इस कॉलम मैट्रिक्स से 0 2 और x से, ठीक है, जो कि 0 मैट्रिक्स के बराबर है। तो देखो क्या होगा, तो अब एक रो है और इधर एक कॉलम है, माने ये आपका जो है 1x3 है और ये आपका 3x1 है, तो बिल्कुल मल्टीप्लीकेशन होगा, बट रिजल्ट क्या बचेगा, 1x1 का, यानी सिर्फ एक ही एलिमेंट आने वाला है, क्या आएगा, तो मल्टीप्लाई कीजिए 6 2 4 का इस कॉलम से, तो 6 × 0 0 प्लस 2 × 2 4 प्लस 4 × x 4x, ठीक है, इक्वल टू क्या आ जाएगा, इधर 0 है सिंपली, 0 मैट्रिक्स का मतलब होता है कि इसमें सिर्फ ओनली 0 एलिमेंट है, ठीक है, और चूंकि इधर आपका 1 ऑर्डर 1 का है तो ये भी आपका 1 ही ऑर्डर का होगा, नो डाउट। तो इधर क्या आ रहा है, इधर आपका आ जा रहा है 4 प्लस 4x, इधर आ जा रहा है आपका 0, क्योंकि दोनों इक्वल मैट्रिक्स है तो सिंपली एलिमेंट को इक्वल कर देंगे, तो यहाँ से 4x मेरा -4 आ जाएगा और x मेरा क्या आ जाएगा मोहब्बत से -1। तो देखो बिल्कुल लॉलीपॉप है, ठीक है, एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आएगा ना तो बिल्कुल आप सेकंड में बनाने वाले हो, आपको सेकंड में इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, तो भाई बिल्कुल चुटकियों में बनने वाला है इस तरह का लॉलीपॉप क्वेश्चन, आपको प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। अब देखो यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन है, अगेन ये देखो कितना इजी क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन आप पहले कर चुके हो, आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा, बस मिला लेते हैं कैसे किया है। पहले यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ए स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है, तो ए स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर होता है ए इंटू ए, यानी ए को मल्टीप्लाई करो 3 1 -1 2, ठीक है जी, इसको आप मल्टीप्लाई करो इसी से 3 1 -1 × 2, ठीक है। अब देखो इसे मल्टीप्लीकेशन वगैरह मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है आपको, अगर आपको अभी भी डाउट है तो आप जाके मेरा मल्टीप्लीकेशन का चैप्टर देख लीजिए, एक तरफ से सारा मैट्रिक्स देखते आइए, एकदम इजी लगेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीरियस लीजिए, ठीक है। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से तो 3 3 9 और 1 -1 -1, 9 - 1 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम से तो 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, 3 2 5, फिर देखो सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम से तो -3 -2 -5, सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम से तो -1 और +4 तो 3 बचेगा, ठीक है, इस तरीके से आपका मोहब्बत से ए स्क्वायर निकल गया। अच्छा अब हम लोग सारा काम एक साथ कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत इजी है, ए स्क्वायर -5a + 7 × आइडेंटिटी, इसका वैल्यू क्या आएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा, ए स्क्वायर का तो आ चुका है 8 5 -5 और 3, ठीक है जी, -5, ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू लिखिए 3 1 -1 2 +7, आइडेंटिटी यहाँ पे कौन सा लेंगे, 2 ऑर्डर का 1 0 0 1, ठीक है। चलो अब क्या करेंगे यहाँ पे मोहब्बत से एक बार और थोड़ा सा कर लो, 8 है 5 है -5 है 3 है, ठीक है, इसमें सबको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका 15 5 -5 और आपका 10, ठीक है, इसमें आपको 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 7 0 0 7, ठीक है। चलो ये सब आप सब पहले से किए हो, काफ़ी लॉलीपॉप है, अब देखो आपका क्या हो गया 8 8 -15 और +7, ठीक है, सारे ही एलिमेंट को ऐड कर दीजिए जो करस्पॉन्डिंग पहले पोजीशन पे है, फिर 5 -5
और जीरो, फाइव माइनस फाइव यही आएगा, ठीक है। यहाँ माइनस फाइव, ये प्लस फाइव हो जाएगा, तो माइनस फाइव और प्लस फाइव, और यहाँ आपका हो जाएगा थ्री माइनस टेन और प्लस सेवन, ठीक है। अब आप देखो मोहब्बत से सब जीरो हो जा रहा है, ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो आपको फाइनली ये जीरो मैट्रिक्स आ रहा है, जीरो 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 जीरो, यानी ये जो मैट्रिक्स है वो क्या है, वो जीरो के बराबर है। और यही हमको प्रूफ करना था कि जो भी सोल्व आएगा वो क्या होगा, वो जीरो मैट्रिक्स होगा, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो ये जीरो मैट्रिक्स हो गया, सो प्रूफ। तो देखो बहुत लॉलीपॉप है, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन बहुत ईजी है, आराम से बनाना है भाई, बन जाएगा। अब देखो फिर से वही क्वेश्चन आ गया, बेगारी क्वेश्चन, एक्स निकालिए, ये गिवेन है, तो अभी तो आप जैसा किए हो वैसा ही करो, ठीक है, एकदम बिंदास बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगा। कैसे करने वाले हैं, ये देखोगे आप, ये आपका वन क्रॉस थ्री मैट्रिक्स है, ये थ्री क्रॉस थ्री है, मल्टीप्लीकेशन बिल्कुल होगा, रिजल्ट क्या आएगा, वन क्रॉस थ्री, ठीक है। तो चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, पहला रो को पहले कॉलम से कीजिए, तो एक्स ये जीरो और ये आपका माइनस टू, तो क्या आ जाएगा, एक्स माइनस टू, ठीक है, क्लियर। फिर चलो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से, तो इससे करेंगे जीरो, ये आपका हो जाएगा माइनस टेन, और यहाँ पे जीरो तो माइनस टेन आ रहा है, ठीक है। फिर थर्ड कॉलम में लाइए, तो टू एक्स माइनस फाइव और माइनस थ्री, यानी क्या हो जाएगा, टू एक्स और माइनस एट, ये हो गया। अब यहाँ पे आपका बचेगा क्या, कॉलम मैट्रिक्स कौन सा, एक्स फोर और वन, ठीक है। इधर आपका जीरो मैट्रिक्स है, तो जीरो ही रखिए। अब चलो अब यहाँ पे हमको क्या करना है, फाइनली फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये एक ही रो है और ये एक कॉलम है, मल्टीप्लाई कीजिए, तो x इंटू दिस, तो x इंटू एक्स माइनस टू माइनस फोर इंटू टेन और प्लस वन इंटू टू एक्स माइनस एट, ये आपका क्या आएगा, सिंपली जीरो के इक्वल आएगा, चूंकि ये जीरो मैट्रिक्स है, यानी सिर्फ इसमें एक जीरो एलिमेंट होगा, ठीक है। तो चलो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस फोर्टी प्लस टू एक्स माइनस एट इक्वल टू जीरो, ये आपका कैंसिल हो गया। तो यहाँ से मेरा एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा जी, ये 40 और आपका इधर 8, तो इधर आपका 48, ठीक है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ रहा है, 48 आ रहा है। तो अब यहाँ से x को क्या लिख सकते हैं, तो x को हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 48, ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं क्या, अच्छा ये मॉड x में आएगा चूंकि स्क्वायर रूट है ना, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपका 16 इंटू थ्री, यानी 4 रूट थ्री आपका ये आंसर हो जाएगा। बहुत ही मोहब्बत से आप इसको निकाल सकते हो। तो ये सब कुछ हम लोग देख चुके हैं, तो बिल्कुल हमारे लिए नया नहीं है, जस्ट हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ा आपको स्पीड बता रहा हूँ, ठीक है। और आपको इससे भी ज़्यादा स्पीड में बनाना है, क्योंकि ये प्रैक्टिस पर्पस से है, बाकी हम लोग डिटेल में सब कुछ अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे आ रहा है, 7 क्या बोलता है, बोलता है ए मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस द प्रोडक्ट्स एक्स वाई जेड विच ही सेल्स इनटू टू मार्केट्स, ठीक है। मतलब कोई मैन्युफैक्चरर है जो कुछ बनाता है, तो वो तीन तरह का प्रोडक्ट बना रहा है, एक्स बना रहा है, वाई बना रहा है, जेड बना रहा है, ठीक है, और ये दो तरह के मार्केट में जाकर के इसको सेल करता है, ठीक है जी, ओके। और जो उसको एनुअल सेल आता है, जो उसको अमाउंट आता है, वो कितना आता है वो भी दिया हुआ है। तो मार्केट वन में जब वो बेचता है, तो उसको एक्स का कीमत मिलता है 10,000 रुपया एनुअली, ठीक है, वाई का मिलता है 2,000, जेड का मिलता है 18,000, इसी तरीके से मार्केट टू में इतना रेट मिलता है। अब बोलता है अगर यूनिट सेल प्राइस, ठीक है, अगर एक एक्स बेचने से 2.5 रुपया, एक वाई बेचने से 1.5 रुपया और एक जेड बेचने से 1 रुपया अगर ऐसा मिलता है, ठीक है, तो बोलता है कि फाइंड टोटल रेवेन्यू इन ईच मार्केट विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स अलजेब्रा। तो उसका टोटल रेवेन्यू क्या है ये बताइए। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग ध्यान नहीं दिए, ये प्रोडक्ट दिया हुआ है तब, ठीक है, यहाँ पे इस प्रोडक्ट दिया हुआ है कि वो दोनों मार्केट में कितना कितना पीस बेचता है। डेफिनेटली मार्केट वन में एक्स का 1,000 पीस बेचता है, वाई का 2,000 पीस और जेड का 18,000 पीस। इसी तरीके से मार्केट टू में एक्स का इतना पीस सप्लाई करता है, वाई का इतना पीस और जेड का इतना पीस, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट है, ये हम लोग यहाँ पे देख लेते तो क्लियर हो जाता, चलो कोई इशू नहीं है, अब क्लियर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करने वाले हैं हम लोग, इजीली करेंगे सॉल्यूशन, देखो बहुत सिंपल करेंगे, आपको सिर्फ यहाँ पे मैट्रिक्स फॉर्म करना है और आपका सारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको फिगर दिया है, बस उस पर ध्यान दीजिए, एक आपको फिगर ये दे दिया है, ठीक है, ये एक मैट्रिक्स बन जाएगा और एक मैट्रिक्स हम यहाँ से बना लेंगे, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे इसको ऐसे करूँगा, ठीक है, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटिंग
रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ यूनिट्स फॉर सेल, ठीक है, या इसको हम लोग बोल सकते हैं प्रोडक्ट, जो कि प्रोडक्ट है, नंबर ऑफ यूनिट्स। तो एक हम इस प्रोडक्ट का मतलब जो नंबर ऑफ यूनिट है एक्स वाई जेड का, ठीक है, उसको हम ले रहे हैं एक मैट्रिक्स में, और दूसरे मैट्रिक्स में हम ले लेते हैं प्राइस को, ठीक है, एंड प्राइस पर यूनिट, ठीक है, इज। दो तरह का मैट्रिक्स लेना है हमको, एक नंबर ऑफ यूनिट का लेना है यानी इसको, ठीक है, कि कितना कितना यूनिट कहाँ कहाँ पे सप्लाई हुआ है, और दूसरा जो हमको लेना है वो लेना है प्राइस पर यूनिट, ठीक है, दोनों मार्केट के लिए, वन और टू दोनों के लिए एक साथ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, ठीक है, इज ए इक्वल टू, एक मैट्रिक्स ए बनाएंगे, यही वाला बना लेते हैं, ठीक है, कितना है 10,000, 2,000 और आपका 18,000, ठीक है, और नीचे है हमारा 6,000, ये आपका 20,000 और आपका ये 8,000, ठीक है जी। और एक मैट्रिक्स बी बनाएंगे, तो बी बनाएंगे क्या, कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है, जिसमें हम लोग सिर्फ ये यूनिट प्राइस लेंगे, 2.5 रुपया, 1.5 रुपया, 1 रुपया, तो 2.5 बस इतना लिखो, काफ़ी है, 1.5 और 1, ठीक है। तो ये मेरा बैंड गया दो मैट्रिक्स। अच्छा, अब ध्यान दीजिए कि हम इसको ऐसे ही लिए जैसा कि ये गिवन था, ठीक है, और इसको हम लिए कॉलम मैट्रिक्स में। क्यों ऐसा लिए, तो याद रखिए, जब भी आप मैट्रिक्स का यूज़ करेंगे ना, और इस तरह का आप टोटल रेवेन्यू वगैरह फाइंड करेंगे, तो जो भी एक मैट्रिक्स होगा आपका, जो बड़ा मैट्रिक्स, वो आपको ऐसे लेना है, और जो आपका इस तरह का सिंपली कह सकते हैं कि एक्स वाई जेड का पर यूनिट सेल प्राइस आपको दिया हुआ है, तो वो आपको कॉलम मैट्रिक्स में ही लेना है, सो दैट कि आप मल्टीप्लाई करके फाइनल रेवेन्यू निकाल लो, ठीक है। तो देखो, ये एक मैट्रिक्स का आपको एप्लीकेशन बताया जा रहा है कि आप कितने आसानी के साथ में मैट्रिक्स का यूज़ करके और इस तरह का क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, लॉलीपॉप तरीका हो जाएगा बिल्कुल निकालने का, ठीक है। तो अब जो टोटल रेवेन्यू है वो आपका चुटकियों में निकल जाएगा, देयरफॉर क्या बोलेंगे, देयरफॉर टोटल रेवेन्यू इज क्या हो जाएगा, तो ये सिंपली हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स ए इंटू बी, ठीक है जी। ए इंटू बी का प्रोडक्ट निकालिए, क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे है मेरा, ये है 10,000, 2,000, 18,000, यहाँ पे है 6,000, अच्छा 20,000, 8,000, और इसका मल्टीप्लीकेशन करना है मेरे को मोहब्बत से इस कॉलम मैट्रिक्स से, 2.5, 1.51, ठीक है। इसका देखो, इसका जो साइज है, इसका साइज है आपका 2x3, और इसका साइज है हमारा 3x1, तो डेफिनेटली क्या होगा, ये जो है मल्टीप्लाई होगा और हमको रिजल्ट मिलेगा 2x1 का, तो मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। तो फर्स्ट रो को इस कॉलम से कीजिए, तो 10,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 से, तो क्या आ जाएगा जी, तो आपका आ जाएगा कितना आ जाएगा, ठीक है, 25,000 आएगा, ठीक है, ओके। फिर प्लस 2,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 से, तो क्या आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 3,000, ठीक है। प्लस 18,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो क्या आ जाएगा, 18,000। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से हो गया, अब सेकेंड रो का कीजिए फर्स्ट कॉलम से, ठीक है। तो 6,000 को 2.5 से करेंगे, तो क्या आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा 15,000। 20,000 का करेंगे 1.5 से, तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 30,000। और 8,000 का 1 से करेंगे, तो 8,000 आएगा। तो इस तरीके से आपका ये 3x1 का मैट्रिक्स मिल गया, ठीक है, सॉरी 2x1 का, ठीक है। तो अब यहाँ पे 2x1 का मिल गया, तो अब ध्यान दो यहाँ पे कितना आ रहा है, आपका आ जा रहा है 25 × 3 × 18, ठीक है। तो 18 और 3 आपका 21, 25 आपका हो गया 46,000, और नीचे आपका हो जा रहा है 30 और 15 और 8, 23 और 30, तो आपका हो जा रहा है 53,000, ठीक है। तो ये देखो इस तरीके से मैट्रिक्स में आया है। तो असल में क्या था ना, कि आपने जो मैट्रिक्स ए बनाया था उसमें आपका जो फर्स्ट रो था वो मार्केट वन का था, और जो सेकेंड रो था वो मार्केट टू का था, अगर आप ध्यान दीजिएगा तो, ठीक है। देखो
ये मार्केट वन का था और ये मार्केट टू का था। तो जो आपको आंसर मिलेगा फाइनली वो भी यही होगा, मार्केट वन का रेवेन्यू और मार्केट टू का रेवेन्यू। ठीक है, तो मार्केट वन से आपका कितना प्राइस जमा हो रहा है ये आपको बता रहा है, और मार्केट टू से कितना हो रहा है वही आपको बता रहा है। देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ, ठीक है, क्या टोटल रेवेन्यू फ्रॉम मार्केट वन इज 46,000 एंड फ्रॉम मार्केट टू इज 53,000। ठीक है भाई, बिल्कुल मोहब्बत से बनेगा इस तरह का आपको। तो देखो ये मैट्रिक्स का फायदा है कि मैट्रिक्स का यूज करके ना आप देखो कितना आसानी के साथ में आप जो है काम करते हैं और आपका आंसर भी आता है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर टू क्या कह रहा है, इसका जो सेकंड पार्ट है वो कहता है इफ द यूनिट कॉस्ट ऑफ द अबव थ्री कमोडिटीज आर 2 रुपीज 1 रुपीज एंड 50 पैसा रिस्पेक्टिवली फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, तो यानी ये जो पूरा ऊपर में प्रोडक्ट है ना, इस प्रोडक्ट का जो कॉस्ट है बनाने का जो खर्च है वो यहाँ पे दिया हुआ है कि वो अगर मान लो 2 रुपया है, 1 रुपया है और 50 पैसा है, तो जाहिर सी बात इसको फायदा होगा इसलिए कि बनाने में इसको खर्च हुआ है 2 रुपया, तो ये उसको बेचा है 2.5 रुपया में। 1 पीस बनाने का खर्चा हुआ है 1 रुपया, तो उसको बेचा है 1.5 रुपया में, और 50 पैसा का खर्चा आया है तो उसको बेचा है 1 रुपया में, तो प्रॉफिट तो इसको होगा। तो कितना प्रॉफिट होगा ग्रोस दोनों मार्केट का जोड़ करके वो हम लोग निकाल लेंगे, बट पहले हम लोग ये निकालेंगे कि इसको टोटल कॉस्ट कितना लगा। तो बिल्कुल जैसे क्वेश्चन नंबर ए बनाया है वैसे ही बनाएंगे, थोड़ा थोड़ा चेंज करेंगे। ठीक है, हम लोग उस टाइम ये लिए थे ना, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ यूनिट्स यानी प्रोडक्ट्स एंड प्राइस, तो यहाँ पे थोड़ा सा आप सुधार लीजिएगा, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा सेल प्राइस, क्योंकि जो शुरू में हम लोग निकाले थे ए नंबर जो किए था ना, तो वो सेल प्राइस का था। ठीक है, तो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ यूनिट्स जो कि आपका सेल हुआ है प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट सेल्स कर सकते हैं यहाँ पे, प्रोडक्ट सेल्स, ताकि साफ साफ पता चले कि हम लोग जो ए नंबर में किए थे उसमें हम लोग क्या लिए थे, मैट्रिक्स लिए थे जो कि बता रहा था कि कितना यूनिट जो है सेल किया गया है और उसका सेल प्राइस क्या था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको वो दिख रहा था जिसको हम लोग ए लिए थे और बी लिए थे। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा एडिट कर लीजिएगा ए नंबर में। अब जैसे ही ए बनाए थे वैसे ही बी बनाएंगे, तो हम यहाँ पे बी करने जा रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ही बी करेंगे तो क्या क्या चेंज आएगा ध्यान दीजिएगा। तो बी में क्या लिखेंगे, बी में तो ये ए मैट्रिक्स तो वही रहेगा बिल्कुल सेम, बस आपका ये बी वाला मैट्रिक्स चेंज हो जाएगा। तो इसको अब मैं ले लेता हूँ क्या, इसको हम एक नया नाम दे देते हैं सी। ठीक है, चूंकि बी ऊपर में नाम दे चुके हैं, इसको एक नया नाम दीजिए सी, और सी में ले लीजिए मैट्रिक्स का 2 रुपया का, 1 रुपया का, 50 पैसा को ना आप 0.5 लिख दीजिए। ठीक है, या तो 1/2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पे जो हम ले रहे हैं तो ये सी क्या है, सी फॉर कॉस्ट भी बोल सकते हो, तो ये आप यहाँ पे आप कॉस्ट लिख देना। ठीक है, ध्यान दीजिएगा ए में यहाँ पे सेल प्राइस रहेगा और बी में यहाँ पे क्या लिख देंगे, कॉस्ट प्राइस, किसको खर्चा कितना आया बनाने में। तो हम दो मैट्रिक्स बनाए हैं, एक कि ये कितना कितना यूनिट बेचा है मार्केट एक और मार्केट दो को, और उसमें इसका कॉस्ट क्या आया है। तो अब जो टोटल कॉस्ट प्राइस है वो आपको यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, देयरफॉर टोटल क्या लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस, टोटल कॉस्ट प्राइस इज, टोटल कितना कॉस्ट पड़ेगा, तो सिंपली यहाँ पे अब हम लोग ए और सी को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ए इंटू सी कर देंगे, तो कुछ करना नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा चेंज करना है। यहाँ पे सी को हटा, सी को लिखिए। ठीक है, सी क्या है, सी है मेरा 2, 1 और 0.5। 0.5 को आप हाफ भी लिख सकते हैं, 1/2। ठीक है ना, तो अब इसका वैल्यू क्या आएगा, तो यहाँ पे पूरा चेंज होगा, इसको पूरा चेंज करो। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा जी, देखो तो ये हमारा आ जाएगा 1000 को 10000 को 200 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 20,000। ठीक है, प्लस 2000 को 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2000, और 18000 को हाफ से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 9000। ठीक है, नीचे वाला 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका 12000, 20000 को 1 से करेंगे तो ये आपका 20000 ही आएगा, और 8000 को हाफ से करेंगे तो ये आपका 4000 हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो यहाँ पे मेरा मैट्रिक्स आ रहा है फाइनली वो क्या आ रहा है, तो यहाँ पे सब आप चेंज कर दीजिए ना। ठीक है, सब चेंज कर दीजिए। ठीक है जी, तो यहाँ पे जो अब हमको मैट्रिक्स आ रहा है वो क्या आ रहा है, तो वो मेरा आ जा रहा है इक्वल टू 2 और 20 और आपका यहाँ पे 11, तो 31000 का कॉस्ट आ रहा है मार्केट वन से, और यहाँ पे आपका है 20 और आपका 16, तो 46000 का कॉस्ट आ रहा है
ठीक है, जो हम लोग मार्केट टू में बेचे हैं उसमें टोटल जो हम लोगों का आया था, टोटल रेवेन्यू रेवेन्यू इज, ठीक है, क्या आया था, मार्केट वन का मेरा आया था 46,000 और मार्केट टू का मेरा आया था 53,000, ठीक है, ये आया था। अच्छा यहाँ पे ये 36 होगा, इसको ध्यान दीजिएगा, 20 है 12 और आपका 16, तो यहाँ पे 36 होगा, ठीक है, तो ये 36,000 हो गया। तो अच्छा, तो ये टोटल रेवेन्यू हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऐसे कर लेता हूँ, सिंस टोटल रेवेन्यू मेरा इतना आया था, ठीक है, एंड जो टोटल कॉस्ट है वो क्या आया है, टोटल कॉस्ट कॉस्ट इज वो आया है, मार्केट वन से हमारा आया है 31,000 और मार्केट टू का मेरा आया है 36,000, ठीक है। तो यहाँ से हमको प्रॉफिट निकल जाएगा, प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे नीचे ही निकाल लेते हैं, ठीक है जी। तो देयरफॉर प्रॉफिट क्या हो जाएगा, देयरफॉर आपका प्रॉफिट हो जाएगा प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा हमारा फॉर मार्केट वन, फॉर मार्केट वन, मार्केट वन का क्या हो जाएगा, तो सिंपली क्या करेंगे, जो आपका रेवेन्यू है उसमें माइनस कीजिएगा कॉस्ट को, कि 46,000 मेरा टोटल बिका था और 31,000 मेरा क्या था, कॉस्ट प्राइस था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 15,000, ठीक है, ये तो हो गया प्रॉफिट फ्रॉम मार्केट वन, और प्रॉफिट प्रॉफिट फ्रॉम मार्केट टू, फ्रॉम मार्केट टू, ठीक है, मार्केट टू से क्या प्रॉफिट हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 53,000 मेरा टोटल रेवेन्यू बना और मेरा कॉस्ट पड़ा था 36,000, ठीक है, तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 17,000 आ जाएगा, तो ये हो गया टोटल। तो 15,000 का फायदा मार्केट वन से हो रहा है और 17,000 का फायदा मार्केट टू से हो रहा है, तो टोटल जो टोटल मेरा प्रॉफिट है वो क्या हो जाएगा, टोटल प्रॉफिट हो जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा दोनों का सम, यानी 15,000 प्लस 17,000 यानी आपका 32,000, ये आपका करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से करना है, मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, बट देखो मैट्रिक्स के हेल्प से कितना आसानी के साथ में सॉल्व हो जाता है, तो ये आपको आगे के लिए सीखना है और आगे हम लोग बहुत तरह का इस तरह का एप्लीकेशन करने वाले हैं, ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अब क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे आ रहा है, 8 क्या बोलता है, 8 बोलता है कि फाइंड द मैट्रिक्स एक्स, आपको एक्स निकालना है, एक मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स है, कि एक्स को इस पूरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया जाए, देखो एक्स एक मैट्रिक्स है और इसका मल्टीप्लीकेशन करना है इस पूरे मैट्रिक्स से और हमको ये आना चाहिए। तो अब ध्यान दीजिए, बिल्कुल आसानी से बनेगा, देखो जो रिजल्ट हमको मिल रहा है ये है आपका 2x3 का मैट्रिक्स, दो रो है तीन कॉलम है, ठीक है, और ये भी आपका 2x3 का मैट्रिक्स है, तो एक्स कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स होना चाहिए, तो एक्स जो है शुड बी क्या होना चाहिए जी, ये हमारा होना चाहिए 2x2 का मैट्रिक्स, सो दैट कि 2, 2 ये इक्वल हो जाए तो ये एग्जिस्ट कर जाए मल्टीप्लीकेशन और रिजल्ट बचे 2x3 का, ठीक है। तो देखो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, सॉल्यूशन ऐसे लिखेंगे, ठीक है, फॉर एक्स, ठीक है, ऑर्डर ऑफ एक्स शुड बी 2x3, ये हम लोग देख लिए, ठीक है। अब ऑर्डर जो है एक्स का 2x3 होना चाहिए, तो कैसा होगा मैट्रिक्स, तो हम लोग सपोज कर लेते हैं, टू क्रॉस टू ऑर्डर ऑफ एक्स शुड बी 2x2, ठीक है, तो लेट सपोज कर लेते हैं कि x कैसा मैट्रिक्स होगा, तो 2x2 का ऐसा मैट्रिक्स मान लेते हैं, x इज इक्वल टू x1 x2 x3 x4, ठीक है। तो हमको फाइनली क्या करना है, बस x1 x2 x3 x4 का वैल्यू निकालना है, ठीक है जी। अच्छा देन क्या होगा, तो अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हमारा हो जाएगा x1 x2 x3 x4 इंटू क्या है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, जो गिवन दिया हुआ है वहाँ पे x का वैल्यू रख दीजिए और इधर क्या आएगा ये भी लिख लीजिए -7 -8 -9 2 4 6। अब मोहब्बत से सोल्व करके इक्वालिटी का प्रॉपर्टी लगा करके आपको x निकालना है, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं क्या करेंगे इसके बाद, अब मल्टीप्लीकेशन कीजिए मोहब्बत से, कैसे होगा मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो आ जाएगा x1 प्लस 4x2, सेकेंड कॉलम से कीजिए तो 2x1 प्लस 5x2, थर्ड कॉलम से करेंगे तो 3x1 प्लस 6x2, ठीक है। नीचे वाले का कीजिएगा तो हो जाएगा आपका x3 प्लस 4x4, फिर यहाँ पे आपका 2x3 प्लस 5x4
और आपका 3x3 प्लस 6x4, ठीक है, ये इक्वल टू इधर क्या है, इधर है मेरा -7 -8 -9 2 4 6, ठीक है। तो अब देखो आप करस्पोंडिंग इक्वल लेकर के कोई भी दो को लीजिएगा आपका इजीली बन जाएगा। जैसे मैं जो इजी इजी है उसको लेता हूँ, इसको ले लेता हूँ, ठीक है, तो ये डेफिनेटली इसके इक्वल होगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा जी, यहाँ से आ जाएगा दिस इक्वल टू x1 प्लस 4x2 इज इक्वल टू क्या -7। और एक देखिए आप एक मैं इसको ले लेता हूँ, ठीक है, चूंकि ये इजी लग रहा है तो एक मैं यहाँ से ये ले लूँगा, तो क्या हो जाएगा 3x1 प्लस 6x2 इक्वल टू -9। और यहाँ पे 3 को कॉमन भी ले लीजिए तो ये आपका बन जाएगा x1 प्लस 2x2 इक्वल टू -3, ठीक है। अब इन दोनों को हम सोल्व करेंगे और हमको x1 x2 मिल जाएगा। और इसी तरीके से थोड़ा सा और सिंपल ले लेते हैं, जैसे इसको ले लेते हैं x3 प्लस 4x4, ठीक है, तो ये आपका 2 का इक्वल होगा। तो एल्सो करेंगे क्या, एल्सो x3 प्लस 4x4 इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू 2 होगा, ठीक है, थर्ड इक्वेशन। और एक और ले लेते हैं हम लोग, ये वाला जो इजी है, हालांकि कोई भी लीजिएगा तो आंसर वही आएगा, तो मैं इसको ले लेता हूँ, ठीक है। आप बोलोगे सर ये बीच वाला क्यों नहीं ले रहे हैं, तो बीच वाला भी ले सकते हैं इसके इक्वल, चूंकि यहाँ पे 3 कॉमन निकल रहा है इसलिए थोड़ा सा हम आसान खोज रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 3x3 प्लस 6x4 इज इक्वल टू 6, इसको हम लोग 3 को कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x3 प्लस 2x4 इज इक्वल टू 2, ठीक है, क्लियर है। तो अब देखो चूंकि आपका x1 और x2 निकालने के लिए आपको दो इक्वेशन चाहिए था, तो ये 1 और 2 से हो जाएगा, इसलिए हम सिर्फ दो ही एलिमेंट को लिए, ठीक है। इसी तरह से तरीके से x3 और x4 निकालने के लिए आपको कोई भी दो इक्वेशन से हो जाएगा, तो हम दो ही को इक्वल किए हैं। तो अब चलो सोल्व करते हैं, ठीक है, सोल्व 1 एंड 3, 1 और सोल्व 3 को सोल्व कीजिए, देखिए क्या आता आंसर। तो यहाँ पे हमको दिया हुआ है x1 प्लस 4x2 इज इक्वल टू है -7 और x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू है -3। सोल्व करेंगे क्या आएगा, ये माइनस ये माइनस ये प्लस, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आपका आ जाएगा 2x2 इज इक्वल टू -4 और यहाँ से x2 इक्वल टू क्या आ जाएगा -2, ठीक है। x2 का वैल्यू रखेंगे किसी एक में भी तो x1 क्या आ जाएगा, तो दिस इम्प्लाइज x1, यहीं से निकाल लेते हैं क्या हो जाएगा जी -7 और -4x2, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका -4x2 यानी आपका -7, x2 का वैल्यू रख दीजिए तो -7 प्लस 8 यानी 1, तो x1 मेरा 1 आ गया, x2 मेरा -2 आ गया, ठीक है। 3, 4 को सोल्व करोगे तो x3 और x4 आ जाएगा, तो चलिए सोल्व करते हैं, तो आप स्पेस बना लेते हैं, तो चलिए सोल्व। अच्छा उसमें देखो 1 और 2 को किए थे, इसमें 3 और 4 कर रहे हैं, ठीक है, सोल्व 3 एंड 4, तो हो जाएगा हमारा 3 है क्या, x3 प्लस 4x4 इज इक्वल टू 2 है और यहाँ पे आपका x3 प्लस 2x4 इज इक्वल टू 2 है, ठीक है, ये है ना, तो माइनस कीजिए माइनस माइनस माइनस, तो x3 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 भी कैंसिल हो जाएगा, यानी कि मेरा 4x4 है, ये x4, ठीक है, तो मेरा क्या आ रहा है, मेरा 2x4 इक्वल टू 0 आ रहा है, यानी आपका x4 0 आ जाएगा। अगर x4 0 है तो डेफिनेटली क्या होगा, यहाँ से आपका x3 2 आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो हमको सारा ही एलिमेंट मिल गया है, तो अब हमको यहाँ से मैट्रिक्स निकालने में काफ़ी सिंपल हो जाएगा, ठीक है, मेरा मैट्रिक्स क्या आ जाएगा, देयरफॉर मेरा मैट्रिक्स आ जाएगा, मैट्रिक्स क्या था जी, देयरफॉर आपका मैट्रिक्स था x इज इक्वल टू क्या था, x1 x2 x3 x4, ठीक है। तो x1 क्या आया है, तो x1 आपका आया था ऊपर में 1, x2 आया है -2, x3 आपका 2 आया और x4 0 आ गया, तो ये आपका हो गया 1 -2 2 0 इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। तो काफ़ी आसान है, इस तरह का काम आप देख रहे हैं केवल कैलकुलेशन है, इस तरह का कैलकुलेशन आप इजीली कर पाइएगा। चलो आगे बढ़ो, फिर देखो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, ये जो है ना आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है और इस तरह का क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कॉम्पिटिशन में भी पूछा जाता है डेफिनेटली, चूंकि NCERT का क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान से करना है और काफ़ी सिंपल है। जैसे देखो 9 नंबर क्या बोलता है कि ए अगर ये है
और ए स्क्वायर अगर आइडेंटिटी है तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पे मोहब्बत से ए स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी है तो ए स्क्वायर निकालिए क्या आ जाएगा, तो ए को ए से मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, तो ए इंटू ए, इसका वैल्यू क्या आएगा जी, इसका वैल्यू आएगा देखो अल्फा बीटा है गामा माइनस अल्फा है। ठीक है, तो रिपीट करो अल्फा बीटा और गामा माइनस अल्फा, तो क्या आएगा वैल्यू, वैल्यू आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस गामा बीटा। ठीक है, फिर यहाँ पे आपका अल्फा बीटा और माइनस अल्फा बीटा। ठीक है, पहला हो गया, इसका करो तो हो जाएगा आपका गामा अल्फा माइनस अल्फा गामा, फिर यहाँ पे करेंगे तो हो जाएगा गामा बीटा और प्लस अल्फा स्क्वायर। ठीक है, तो आपका फाइनली जो मैट्रिक्स आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो आ रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस गामा बीटा, ये जीरो, ये भी जीरो, ये भी आपका अल्फा स्क्वायर प्लस गामा बीटा। ठीक है, अब ये जो है आपका आइडेंटिटी है, यानी ये इक्वल होगा किसका, 1001 का, तो जीरो तो आपका पोजीशन पे दिख रहा है कि सब जीरो जीरो, ठीक है। ठीक है, तो डेफिनेटली ये जो अल्फा स्क्वायर प्लस गामा बीटा है ये क्या होना चाहिए, ये वन होना चाहिए दोनों पोजीशन के लिए। ठीक है ना, तो अल्फा स्क्वायर प्लस गामा बीटा ये क्या होना चाहिए, ये वन होना चाहिए, और अच्छे से लिखो तो इसको ऐसे लिख सकते हो वन माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस गामा बीटा ये क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका बिल्कुल आसान सा ऑप्शन मिल गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप बहुत ही जल्दी इस तरह का क्वेश्चन को बना पाएंगे, क्लियर है। ठीक है, अच्छा अब देखो इसी तरह का क्वेश्चन इजी है, आप कुछ क्वेश्चन को खुद से ट्राई कीजिए, डेफिनेटली आपसे इस तरह का क्वेश्चन बनना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, 10 कहता है कि मैट्रिक्स ए साइमेट्रिक भी है और एसक्यू साइमेट्रिक भी है, तब ए क्या होगा, तो ए डेफिनेटली एक जीरो मैट्रिक्स होगा, काफी लॉजिकल चीज है, कैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, और याद रखो कि जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, जैसे मान लो जीरो मैट्रिक्स हम लेंगे तो जीरो मैट्रिक्स कैसा होगा, ऐसा होगा जीरो जीरो, सारा एलिमेंट जीरो होगा। ठीक है, तो सारा एलिमेंट अगर जीरो है तो इसका ट्रांसपोज कीजिएगा तब भी यही रहेगा, माइनस ऑफ ट्रांसपोज कीजिएगा तब भी यही रहेगा, यानी ये साइमेट्रिक भी है, एसक्यू साइमेट्रिक भी है। ऐसे भी आप देख सकते हो कि ए साइमेट्रिक है, ए साइमेट्रिक है, इसका मतलब है कि ए का ट्रांसपोज क्या है, ए है। ठीक है, फिर आपका ए जो है वो आपका एसक्यू साइमेट्रिक है, इसका मतलब क्या है कि ए का डैश क्या है, माइनस ए है। अगर हम दोनों को यहाँ पे जोड़ दें तो टू ए डैश क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, यानी क्या, यानी ए डैश जीरो आ जाएगा। अगर किसी का कोई अगर ट्रांसपोज जीरो मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स भी जीरो होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, कैसे भी आप देख सकते हैं आपको वही चीज़ मिलेगी। ठीक है, तो आसान सा रिजल्ट है बट याद रखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, बोलता है एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए स्क्वायर इक्वल टू ए दिया हुआ है, इसका वैल्यू क्या होगा। अब देखो ए स्क्वायर अगर ए दिया हुआ है और हम फिर से ए से मल्टीप्लाई कर दे दोनों तरफ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो आपका ए क्यूब क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। ठीक है, और ए स्क्वायर तो ए है, यानी ए क्यूब भी ए हो गया, तो ए स्क्वायर अगर ए है तो ए क्यूब भी ए होगा। तो सिंपली ये जो वैल्यू है ये क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी प्लस ए का होल क्यूब और माइनस 7a, इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है जी, तो ये हम लोगों का हो जाएगा, जैसे आइडेंटिटी है तो 1 प्लस ए का होल क्यूब क्या होता है, ठीक है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, आइडेंटिटी ए क्यूब आइडेंटिटी ही होगा, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, तो 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर ये होगा, और माइनस 7a। ध्यान दीजिएगा आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करने से कहीं फर्क नहीं पड़ता है, जैसे 3 आइडेंटिटी ए स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या आएगा, 3a स्क्वायर ही आएगा। ठीक है, या मान लो 3 आइडेंटिटी का स्क्वायर इंटू ए, तो ये आपका 3a ही आएगा, क्योंकि आइडेंटिटी का स्क्वायर आइडेंटिटी होता है, और लाइक ए यूनिटी, जैसे 1 होता है मैथ में ना, वैसे ही मैट्रिक्स में आइडेंटिटी होता है, तो उसका मल्टीप्लीकेशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसलिए हम क्या किए हैं, आइडेंटिटी का होल क्यूब आइडेंटिटी लिखे हैं, ए क्यू ये बी क्यू हो गया, तो ए प्लस बी का होल क्यूब ए क्यू बी क्यू 3ab स्क्वायर और 3a स्क्वायर भी, ऐसा लगा दीजिए। ठीक है, तो ये आ गया वैल्यू, तो आप देखोगे यहाँ पे कि फाइनली हमारा आंसर क्या आ रहा है, तो ये आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, आइडेंटिटी तो आइडेंटिटी रहेगा, ए क्यूब को देखो ए लिखेंगे, अभी मैंने आपको बताया ये 3a स्क्वायर, ए स्क्वायर भी आपका a बन जाएगा यहाँ से, तो ये भी 3a बनेगा। ठीक है, प्लस ये भी 3a और माइनस 7a, तो ध्यान दीजिएगा चूंकि अभी हम बताया कि ए क्यूब a होगा, ए स्क्वायर भी a होगा, चूंकि ए स्क्वायर a दिया हुआ है। ठीक है, तो ए क्यूब भी a होगा, तो अब देखो क्या आ रहा है, ये आपका आ जा रहा है आइडेंटिटी प्लस 1a 3a 3a 7a और 7a, तो 7a माइनस 7a ये जीरो हो गया,
तो बचा आपका आइडेंटिटी प्लस जीरो मैट्रिक्स। और ये सिंपली क्या होगा, आइडेंटिटी होगा, तो जैसे मैथ में जीरो होता है वैसे ही जीरो मैट्रिक्स भी होता है, उसको जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। देखो आसान आसान क्वेश्चन था और पूरा चैप्टर आपको मैंने करा दिया और आपने काफी इंजॉय भी किया, कहीं मुश्किल नहीं लगा आपको, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरीके से मैट्रिक्स के बाद डिटरमिनेंट आएगा, उसको आपको देखना है, और डिटरमिनेंट के बाद मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट का मिल करके, दोनों को मिला करके, मैट्रिक्स को और डिटरमिनेंट को जो कॉन्सेप्ट बनता है वो बहुत स्ट्रांग कॉन्सेप्ट है और काफी ऊपर तक जाता है। तो कुछ भी आपको स्किप नहीं करना है, सबको पढ़ना है। और याद रखोगे, नीचे से भी क्वेश्चन आता है, ऊपर से भी क्वेश्चन आता है, तो हमको जीरो टू हीरो मॉडल तक पहुंचना है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा होगा लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।